हेलो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे विस्कोसिटी के बारे में अब उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आज पढ़ते हैं इसमें न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में और नॉन न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में तो देखो न्यूटोनियन फ्लूड क्या होते हैं न्यूटोनियन फ्लूड वो फ्लूड होते हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे उसको बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूड और जो न्यूटन न्यूटन लॉ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेंगे उनको कहेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूड अब न्यूटन लॉ विस्कोसिटी क्या था न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी था कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट तो ये था न्यूटनस लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो इस लॉ को फॉलो करेंगे उनको कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूड तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्लूड विच फॉलोज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूड जो फ्लूड न्यूटन विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे उसको न्यूटोनियन फ्लूड कहेंगे दैट इज न्यूटोनियन का मतलब क्या है शीयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि शियर स्ट्रेस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा या तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट के या हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाय डी वाई और जब हम म्यू लगा देते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रपोशनलिटी तो टाउ इक्वल टू म्यू इन डी थीटा बाय डी टी एक तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास और दूसरा क्या होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू इन डी यू बाय डी वाई एक ये होता है तो ये दोनों फॉर्मूले म्यू क्या है यहां पर कॉन्स्टेंट है दिस इज कॉन्स्टेंट और ये कॉन्स्टेंट एक्चुअल में न्यूटोनियन फ्लूड के लिए होता है कॉन्स्टेंट फॉर न्यूटोनियन न्यूटोनियन फ्लूड भैया ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो तभी आएगा जब ये वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी नॉन न्यूटोनियन फ्लूड के लिए हो सकता है ये वैल्यू कॉन्स्टेंट ना आए या कुछ और डिफरेंस रहा है वो हम चेक करेंगे जब नॉन न्यूटोनियन फ्लूड पढ़ेंगे तो अभी यही ओके टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी थीटा डीयू बाय बाई डी वाई जो है अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे टाउ के बीच में और डीयू बाय बाई डी वाई के बीच में टाउ और यहां पर डीयू बाय डी वाई के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो यहां जीरो से स्टार्ट होके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगी यही होगी न्यूटोनियन फ्लूड के लिए यही होगी ियन फ्लूड के लिए क्योंकि म्यू कांस्टेंट है तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई मीन स्ट्रेट लाइन जाएगी या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहां पर ये वाली वैल्यू जो है वो एम है यहां पर एम की वैल्यू क्या है म्यू एम कॉन्स्टेंट होता है कॉन्स्टेंट क्या है म्यू और एक्स एक्स कोऑर्डिनेट पे हमने क्या लिया है एक्स की वैल्यू है डी यू बाई डी वाई और सी नहीं है इसमें कुछ भी सी कुछ भी नहीं है तो सी की वैल्यू क्या है यहां पर जीरो है और वाई की जगह पे क्या है वाई कोऑर्डिनेट पे क्या लिया है टाओ तो ये लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सी जीरो है तो वाई इक्वल टू एम एक्स यही लाइन होती है जो जीरो से पास करती है और एक स्ट्रेट लाइन होती है ये स्ट्रेट लाइन होती है और जरूरी नहीं कि ये 45 डिग्री एंगल पे हो ये एंगल डिपेंड करता है किसके ऊपर एम के ऊपर एंगल किस पे डिपेंड करता है एम की वैल्यू पे तो म्यू की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से ये लाइन स्लोप इस टाइप से भी हो सकती है और इस टाइप से भी हो सकती है तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है न्यूटोनियन फ्लूड के लिए बट ये लाइन जो आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी तो ये हुआ न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं देखो एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं न्यूटनियन फ्लूड के एग्जाम्पल्स में आपकी एयर आती है एयर न्यूटोनियन फ्लूड होती है वाटर भी आता है वाटर भी आपका न्यूटोनियन फ्लूड होता है और ऑयल्स, लगभग लगभग जनरली सारे के सारे ऑयल्स जो होते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूड होते हैं जैसे ऑयल्स में आपके ये भी ले सकते हो आप पेट्रोल भी डीजल भी कैरोसिन भी ये सारे के सारे किसमें आते हैं न्यूटोनियन फ्लूड में और जितने ऑयल्स होते हैं जनरली लगभग सारे सारे होंगे आएंगे तो ये हुआ न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में अब हम पढ़ेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में अब हम आते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूड पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूड क्या होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था जो फ्लूड न्यूटन विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं उनको कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूड फ्लूड विच डो नॉट ओबे लॉ विस्कोसिटी आर नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूड अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूड की स्टडी जो होती है वो एक अलग से एक सब्जेक्ट आ जाता है अगर आप हायर स्टडीज में इसको पढ़ना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट को बोलते हैं रियोलॉजी और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है तो बहुत टाइप के नॉन न्यूटोनियन फ्लूड होते हैं हम बस कुछ ही टाइप के यहां पर डिस्कस करेंगे तो पहले एक लाइन लिख लेते हैं द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड्स इज कॉल्ड रियोलॉजी रियोलॉजी नहीं होता है बहुत सारे लोग रियोलॉजी बोलते हैं टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी बोलते हैं टेक्नोलॉजी साउंड करता है और ये रियोलॉजी साउंड करता है ओके okay, तो अब पढ़ते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में नॉन न्यूटोनियन की स्टडी को रियोलॉजी बोलेंगे तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड को पढ़ने से पहले एक जनरल रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं जो सब फ्लूड के लिए वैलिड होता है तो हम पहले देखेंगे जनरल रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में जनरल रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर ऑल फ्लूड्स चाहे वो न्यूटोनियन हो चाहे नॉन न्यूटोनियन हो तो जनरल रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है टाव इज इक्वल टू एंटू डी यू बाई डी वाई रेज टू पावर एन प्लस बी इसमें एन जो होता है वो एक्सपोनेंट है दिस इज एक्सपोनेंट एंड बी ये दोनों आपके हैं कांस्टेंट्स ये जनरल रिलेशनशिप होता है चाहे वो न्यूटोनियन फ्लूड हो या नॉन न्यूटोनियन फ्लूड हो दोनों के लिए यही रिलेशन होता है लेकिन न्यूटोनियन फ्लूड में इनकी वैल्यूज क्या होती है वो देख लेते हैं फोर न्यूटोनियन फोर न्यूटोनियन फ्लूड्स देखो न्यूटोनियन फ्लूड्स के लिए एन की वैल्यू होती है वन न्यूटोनियन फ्लूड्स के लिए स्पेशली न्यूटोनियन फ्लूड के लिए एन की वैल्यू होती है वन और बी की वैल्यू होती है जीरो अगर एन की वैल्यू वन और बी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो टाउ क्या आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बाई डीवाई और ए जो कॉन्स्टेंट है वो रिप्लेस किससे हो जाता है म्यू से ए जो कॉन्स्टेंट है वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है म्यू के, तो के लिए टाउ की वैल्यू म्यू इन टू डी यू बाई डी वाई आ जाएगी तो ये हुआ न्यूटोनियन के बारे में इसी में जनरल रिलेशनशिप में अब नॉन no न्यूटोनियन अलग अलग टाइप के होते हैं एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है बी की वैल्यू पे डिपेंड करता है वो टाइप्स हम एक बार देख लेते हैं तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड में सबसे पहले आ जाते हैं डाइलेटेंट फ्लूड पे डाइलेटेंट फ्लूड में क्या होता है एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है और बी की वैल्यू जीरो होती है तो जनरल इक्वेशन थी जो जनरल रिलेशनशिप था उसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बाय डी वाई रेज टू पावर एन प्लस जीरो बी की वैल्यू जीरो एन की वैल्यू एन ही रखेंगे ये वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं देखो रीअरेंज कैसे कर लेते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बाय डी वाई टू पावर एन माइनस वन एक पावर माइनस कर देते हैं और एक पावर जो बची उसको अलग से लिख लेते हैं डी यू बाय डी वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे कि यहां पर एक पावर है और यहां पर कितनी है एन माइनस वन बेस सेम है डी यू बाई डीवाई दो जगह अगर दोनों को एक साथ लेकर जाओगे तो एन माइनस वन और यहां पर वन पावर प्लस में है तो प्लस वन हो जाएगा और प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली ये एक्चुअल में क्या है डी यू बाई डीवाई की पावर एन ही है तो इसकी पावर को हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया एक पार्ट में हमने एन माइनस वन अलग से लिख लिया और दूसरी जगह पे वन पावर को अलग से लिख लिया अब अगर हम इसकी बात करें ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, और हमारा एक फॉर्मूला था कौन सा था टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई अगर ये ये वाली जो ए इंटू डी यू बाई डी वाई टू पावर एन माइनस वन अगर ये म्यू होता अगर इसकी जगह पे म्यू होता तो क्या यह वही फॉर्मूला नहीं बन जाता टाउ इक्वल टू म्यू इन टू डी यू डी वाई तो ये क्या हो रहा है ये अपियर हो रहा है जस्ट लाइक एन विस्कोसिटी ये विस्कोसिटी की तरह अपियर हो रहा है तो इसका नाम देते हैं अपरेंट विस्कोसिटी अपरेंट विस्कोसिटी यहां लिख लेते हैं अपियर्स लाइक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की तरह अपियर हो रहा है तो इसको नाम दे देते हैं अपरेंट विस्कोसिटी तो टाउ इज इक्वल टू आएगा म्यू अपरेंट इनटू टू डी यू बाई डी वाई ये आया बट जो अपरेंट विस्कोसिटी है क्या इसकी वैल्यू कांस्टेंट है क्या इसकी वैल्यू कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू डी यू बाई डी वाई नहीं क्योंकि अपेरेंट विस्कोसिटी में म्यू अपेरेंट क्या है अपेरेंट विस्कोसिटी में है ए ये कांस्टेंट है इनटू डीयू बाय डी रेज टू पावर एन माइनस वन और एन माइनस वन क्योंकि एन ग्रेटर देन वन है एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है और वन को अगर इस तरफ ले आएंगे तो एन माइनस वन ग्रेटर देन जीरो ये वैल्यू पॉजिटिव है अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है एन माइनस वन पॉजिटिव है तो जैसे जैसे डी यू बाई की वैल्यू इंक्रीज करेगी जैसे जैसे du बाई डीवाई इंक्रीज होगा वैसे वैसे विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगी यानी कि जैसे जैसे आप शेयर स्ट्रेस लगाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा शेयर स्ट्रेस लगाने से डी यू बाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और डी यू बाई की अगर वैल्यू आएगी तो इस विस्कोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो जैसे जैसे आप डी यू बाई डीवाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे ही सब अबरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी यानी कि अपरेंट विस्कोसिटी यहां पर इस फ्लूड के लिए अपरेंट विस्कोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है जो विस्कोसिटी टर्म है वो कॉन्स्टेंट नहीं है तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि म्यू अपरेंट म्यू अपरेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डी यू बाय डीवाई डी यू बाय की वैल्यू इंक्रीज होगी तो अपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपरेंट विस्कोसिटी अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन अप्लाइड शियर स्ट्रेस जैसे जैसे आप शियर स्ट्रेस को अप्लाई करोगे शियर स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे शेयर स्ट्रेस अगर इंक्रीज होगा तो डी यू बाई डीवाई भी इंक्रीज होगा और डी यू बाई डीवाई इंक्रीज होगा तो म्यू अपेरेंट म्यू की वैल्यू इंक्रीज करेगी यानी कि अपेरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन अप्लाइड शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के साथ अपेरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज करती जाती है विस्कोसिटी इंक्रीज होने का मतलब हम कह सकते हैं कि वो गाढ़ा हो गया और भी ज्यादा हम ऐसे बोलते हैं ना कि पानी से ज्यादा गाढ़ा क्या होता है शहद होता है गाढ़े का मतलब क्या है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा थिक है मतलब वो वाटर से थिक क्या है शहद है और टेक्निकल टर्म में देखें तो क्या होता है वाटर की विस्कोसिटी कम होती है और हानी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो तो क्या होगा ज्यादा थिक होगा और ये जो फ्लूड है वो थिक कब होता है जब उसके ऊपर शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इसका यहीं से एक नाम और निकल के आता है शियर थिकनिंग फ्लूड शियर की वजह से थिक हो रहा है वो फ्लूड तो इसका दूसरा नाम होता है दिस इंप्लाइज दिस फ्लूड इज ऑल्सो नॉन एज क्या बोलेंगे शियर थिकनिंग शीयर थिकनिंग फ्लूड इन फ्लूड्स को हम shear thickening थिकनिंग भी बोल देते हैं ठीक है तो ये fluids जो होते हैं, इनको shear, thickening, shear के साथ थिक होते जा रहे हैं शीयर थिकनिंग fluids भी बोल देते हैं तो अभी देखते हैं इसका जो टाओ एंड डी यू बाई डी वाई का जो ग्राफ था वो कैसे बनेगा इस फ्लूड के लिए यहां पर टाओ लिख लेते हैं और यहाँ पर डी यू बाय डी वाई तो डी अगर न्यूटोनियन फ्लू होता तो ये स्ट्रेट लाइन बनती लेकिन अब विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस के साथ या डी यू बाई डी वाई के साथ इंक्रीज होती जाती है तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा विस्कोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी स्लोप विस्कोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी स्लोप तो यानी कि जैसे जैसे आपकी वैल्यू ये टाउ की वैल्यू या डी यू बाई डी वाई की वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस लाइन का जो स्लोप है वो इंक्रीज होता जाएगा हमने पढ़ा था ना वाई इक्वल टू क्या होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एम क्या है स्लोप और जो स्लोप अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो कर्व आ जाएगी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी आप चेक भी कर सकते हो देखो इस पॉइंट पे अगर चेक करोगे तो ये आपकी स्लोप है दिस इज थीटा वन और अगर इस पॉइंट पे चेक करते हैं तो दिस इज थीटा टू तो आपको पता चल रहा है ना इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू डिफरेंट है यानी कि जैसे ही आप इस पॉइंट पे थे तो थीटा वन की वैल्यू कम आ रही थी और जब आगे गए आपने और शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया तो थीटा टू की वैल्यू ज्यादा आ रही है थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन अगर थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन है इसका मतलब स्लोप चेंज हो रहा है और स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर अपेरेंट विस्कोसिटी को यानी कि विस्कोसिटी होती जाएगी इस कर्व में अपेरेंट विस्कोसिटी इनक्रीज होती जाएगी ओके इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल होता है इसका एग्जाम्पल एक तो होता है राइस स्टार्च इसका एक एग्जाम्पल होता, होता है राइस स्टार्च और दूसरा एग्जाम्पल होता है सुगर इन वाटर ओके राइस स्टार्च जिसको मार्ड भी बोल देते हैं आप चावल का पानी मार्ड भी बोलते हैं जिसको चावल का पानी वो होता है एक एग्जाम्पल उस वो होता है डाइलेटेंट फ्लूड का एग्जाम्पल और सुगर इन वाटर जिसको चाशनी भी बोल देते हैं ठीक है मुंह में पानी तो नहीं आ गया रसगुल्ला चाशनी का नाम सुनते ही क्या आता है याद रसगुल्ला जिसमें रसगुल्ला डूबा होता है उसको बोलते हैं चाशनी तो जो चाशनी होती है सुगर इन वाटर जो होता है वो भी डाइलेटेंट फ्लूड का एग्जाम्पल है तो ये हुआ डाइलेटेंट फ्लूड के बारे में नॉन न्यूटोनियन फ्लूड में नेक्स्ट आता है फ्लूड। इसमें एन की वैल्यू लेस देन वन होती है और बी की वैल्यू जीरो होती है तो जो हमारे पास जनरल रिलेशनशिप है इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं पुट करने से आएगा टाओ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बाई डी वाई रेज टू पावर एन प्लस जीरो और फिर से हम इसको ऐसे ही आ, कर लेंगे जैसे पहले किया था हमने पावर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे डी यू बाई डी वाई रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू डी यू बाई डी वाई ओके और अब यहां पर जैसे लास्ट में किया था हमने पिछले एग्जाम्पल में उसमें भी यही था कि ये वाली वैल्यू कैसे हो रही है दिस अपीयर्स जस्ट लाइक एन अपेरेंट विस्कोसिटी इसको अपरेंट विस्कोसिटी लिख लेंगे तो a इंटू डी यू बाई डी वाई रेस टू पावर एन माइनस वन को लिख लेंगे अपरेंट विस्कोसिटी अब चेक करेंगे कि अपरेंट विस्कोसिटी डी यू बाई डीवाई के साथ चेंज हो रही है या नहीं हो रही और चेंज हो रही तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो चेक करेंगे यहां से एन इज लेस देन वन अगर एन की वैल्यू लेस देन वन है और वन को हम इधर ले आएंगे तो एन माइनस वन लेस देन जीरो एन माइनस वन की वैल्यू लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव है या आप ऐसे कह सकते हो कि दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लो इधर भी और इधर भी अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं उस टाइम पे ये जो वैल्यू है ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है ओपोजिट हो जाता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां आ जाएगा माइनस एन और ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस वन साइन चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और जीरो जीरो तो प्लस जीरो माइनस जीरो ही रहती है तो हम इसको लिख सकते हैं वन माइनस एन इज ग्रेटर देन तो ये माइनस एन ग्रेटर देन जीरो है यहां पर एन माइनस वन है तो माइनस वन कॉम बन लेंगे म्यू अपरेंट लिख लेते हैं सिर्फ यहां से म्यू अपरेंट की वैल्यू है ए इंटू डी यू बाई डी वाई रेज टू पावर एन माइनस वन है अगर माइनस वन कॉमन लेते हैं यहां से तो एन जो है माइनस का हो जाएगा और वन प्लस का हो जाएगा तो यहां से फिर आगे देखते हैं वन माइनस एन वन को आगे लिख लेते हैं माइनस एन को पीछे लिख लेते हैं और क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू अपरेंट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई डी यू बाई डी वाई रेज टू पावर एन माइनस सॉरी वन माइनस एन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो यह वाली वैल्यू आपके पास अपरेंट विस्कोसिटी की है अब अपरेंट विस्कोसिटी में वन माइनस एन वन माइनस टर्म क्या है पॉजिटिव है तो जैसे ही हम डी यू बाई डीवाई को इंक्रीज करेंगे जैसे ही du यू बाई वाई को डी यू बाई वाई को इंक्रीज करेंगे तो du यू बाई वाई की पावर क्या है पॉजिटिव है तो ये नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो इंक्रीज हो जाएगी और जब डिनोमिनेटर में टर्म इंक्रीज होती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है तो यहां से हम कह सकते हैं कि वेन डी यू बाय की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी डी यू बाई डीवाई को इंक्रीज uh, करोगे तो अपरेंट स्को डिक्रीज करेगी तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि व्हेन डी यू बाय डीवाई इंक्रीजेज म्यू अपरेंट डिक्रीजेज और डी यू बाई डीवाई कब इंक्रीज होगा जब आप शियर स्ट्रेस जो अप्लाइड शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करोगे जब डीयू जब शियर स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तब डी यू बाई वाई इंक्रीज होगा और तब अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी तो हम लिख सकते हैं कि फॉर सुडोप्लास्टिक प्लास्टिक सुडोप्लास्टिक श्यूडो प्लास्टिक फ्लूड्स फोर प्लास्टिक फ्लूड्स अपरेंट विस्कोसिटी अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेज वेन अप्लाइड शेयर स्ट्रेस अप्लाइड शेयर स्ट्रेस इंक्रीजेज जब अप्लाइड शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होगी तब अपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी और जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस लगाएंगे और जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस लगाएंगे वैसे वैसे विस्कोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है और जब विस्कोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या वो थिन नहीं होता जाएगा हमने कहा था ना जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो थिक होगा और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो क्या होगा थिन होगा तो शियर स्ट्रेस की वजह से इसको डिक्रीज होने का मतलब क्या है थिक से थिन पे आ रहा है तो शियर की वजह से थिन हो रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं शियर थिनिंग फ्लूड्स इसलिए दीज फ्लूड्स आर दीज फ्लूड्स आर ऑल्सो नॉन एज शियर थिनिंग शियर थिनिंग फ्लूड्स शीयर की वजह से थिन होते जा रहे हैं तो शियर थिनिंग फ्लूड यही इसका एक और नाम हो गया अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं देखो इसका एग्जाम्पल जो आप सबकी रगों में दौड़ता है ब्लड खून इसका एग्जाम्पल है जो आपकी सबकी रगों में दौड़ता है वो क्या है खून इसका एग्जाम्पल है ओके okay, दूसरा एग्जाम्पल है जो आप बहुत पसंद करते हो डेली पीते हो मिल्क नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिल्क और एक और एग्जाम्पल है इसका उसका नाम है कोलोइडल सोल्यूशन कोलोइडल सोल्यूशन ये केमिकल की टर्म है इसको हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे डीप में नहीं जाएंगे बस हमें नाम पता होना चाहिए बस हमें एग्जाम्पल का नाम पता होना चाहिए ये कोलोयडल सोल्यूशन होता क्या है इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे ये हमारा काम नहीं है ये केमिस्ट्री वालों का काम है या केमिकल वालों का काम है तो यह हुए इसका एग्जाम्पल अब इसका वो देख लेते हैं क्या ग्राफ किसके बीच में टाओ के बीच में एंड बाय के बीच में। देखो इसका ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा इस टाइप से इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा जैसे जैसे टाओ की वैल्यू या डी यू बाई की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे आप स्लोप इंक्रीज हो सॉरी स्लोप डिक्रीज होती जाएगी तो चेक कर सकते हैं आप इसको यहां पे पीछे बनेगी इसकी स्लोप इस पॉइंट पे अगर स्लोप देखेंगे तो ये एंगल बनेगा ये थीटा वन और अगर यहां पे चेक करते हैं इस जगह पे चेक करते हैं यहां पर स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट तो ये थीटा टू आपको साफ दिखाई दे रहा है कि थीटा वन की वैल्यू ग्रेटर है थीटा टू से तो जैसे आप जैसे आप आगे गए तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज हुई थीटा की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब विस्कोसिटी विस्कोसिटी डिक्रीज हुई। कि इस कर्व में विस्कोसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है स्लोप 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 ऑफ दिस कर्व और स्लोप जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे नेक्स्ट पॉइंट आगे वाले पॉइंट पे देखोगे तो ये और भी कम बनेगी थीटा की वैल्यू आप बना के देख सकते हैं तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे जैसे जैसे डी यू बाई डी वाई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे स्लोप की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी और स्लोप ही क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी विस्कोसिटी तो ये हुआ आपका सूडो प्लास्टिक फ्लूड्स के बारे में नॉन न्यूटोनियन फ्लूड में अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे नेक्स्ट पार्ट है इसका बिंगम प्लास्टिक फ्लूड बिंगम प्लास्टिक फ्लूड में एन की वैल्यू तो वन होती है बट बी जीरो नहीं होता है बी क्या नहीं होता है जीरो नहीं होता है तो हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी जनरल इक्वेशन टाव इज इक्वल टू म्यू ये वाली जनरल इक्वेशन है जनरल इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं टाव इक्वल टू ए इंटू डी डी वाई एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे वन प्लस बी बी की वैल्यू जीरो नहीं है और जनरली ये वैल्यू पॉजिटिव ही होती है जीरो नहीं है का मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी बट ये पॉजिटिव ही होती है नेगेटिव नहीं होती है तो टाओ की वैल्यू आई टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी डी वाई प्लस बी अब ये क्या? ये क्या? किसकी क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये क्वेश्चन आई आपकी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और इसकी इसका अगर डायग्राम बनाते हैं हम तो किस टाइप से बनता है ये हुआ टाओ यानी कि y और ये du/dy यानी कि x कोऑर्डिनेट कह सकते हो x कोऑर्डिनेट पे du/dy है और y कोऑर्डिनेट पे tau है अब इसकी जो स्लोप है स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है स्लोप तो है कांस्टेंट स्लोप क्या है इसकी कांस्टेंट है स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी कर्व नहीं आएगी क्या आएगी स्ट्रेट लाइन आएगी कर्व नहीं आएगी बट बी बी क्या होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बी की वैल्यू जीरो नहीं है अगर जीरो होती तो ये लाइन कहां से स्टार्ट होती जीरो से बट बी की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो ये लाइन जितनी बी की वैल्यू होगी वहां से स्टार्ट होगी और स्ट्रेट लाइन आएगी उसके बाद यानी कि ये जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक ये क्या है बी अगर ये नेगेटिव होता है नेगेटिव होता तो लाइन कहां से आती स्टार्ट करती नीचे से स्टार्ट होती बट ये पॉजिटिव ही होता है जनरली पॉजिटिव ही होता है क्योंकि जब शियर स्ट्रेस की वैल्यू नेगेटिव है नेगेटिव कब होती है नेगेटिव तो हम लेते ही नहीं है नेगेटिव है उस टाइम पे ये जीरो होता है डीयू बाय डीवाई तो यानी कि बी की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसका एग्जांपल जो है वो क्या है टूथपेस्ट जो आप डेली सुबह-सुबह करते हो टूथपेस्ट आपने देखा होगा कि पेस्ट को जब हम दबाते हैं पेस्ट को जब दबाते हैं तो कुछ शेयर स्ट्रेस लगाने के बाद भी पेस्ट आपका बाहर नहीं निकलता है मतलब फ्लो नहीं होता है उसमें डी यू बाई डीवाई की वैल्यू नहीं आती है कुछ मतलब कितना जब तक आप जब तक आप के इक्वल नहीं लगाओगे जब तक आप इस बी के इक्वल नहीं लगाओगे तब तक डी यू बाई डीवाई की वैल्यू रहेगी। इस पॉइंट पे भी इस 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 पॉइंट 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 पे 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 भी, इस पे भी, पे भी, डी यू बाई dy क्या रहेगा जीरो रहेगा यानी कि जब ये बी के इक्वल पहुंच जाएगा उसके बाद फ्लो होना स्टार्ट होगा उसके बाद डी यू बाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी तो टूथपेस्ट में ऐसा ही होता है बिल्कुल थोड़ा सा अगर आप फोर्स लगा दोगे थोड़ा सा उसको दबा दोगे तो पेस्ट बाहर नहीं आएगी लेकिन जब एक बार बाहर निकलनी शुरू हो गई तब आप शेयर स्ट्रेस इंक्रीज करते जाओगे तो फ्लो इंक्रीज होता जाएगा जब एक बार टूथपेस्ट बाहर निकलने लग गई उसके बाद आप दबाते रहो तो वो बाहर निकलता रहेगा तो जो स्टार्टिंग में जितना स्ट्रेस लगाने पर आपकी डी यू बाई डीवाई जीरो ही था यानी कि जहां पर डी यू बाई डीवाई जीरो से जीरो से कुछ वैल्यू इंक्रीज होनी जस्ट स्टार्ट हुई उस पॉइंट तक हमारी क्या आएगी बी की वैल्यू आएगी तो ये बी जहां पे जीरो नहीं होता है तो ये हुआ बिंगम प्लास्टिक अब स्टडी करते हैं उन फ्लूइड्स के बारे में जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो उसमें कुछ फ्लूड होते हैं सर्टेन फ्लूड शोज वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डब्ल्यू का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिसकी विस्कोसिटी चेंज होती है वो कुछ फ्लूड्स होते हैं इसमें दो टाइप के होते हैं पहला आता है थिक्सोट्रोपिक थिक्सोट्रोपिक फ्लूड्स ये फ्लूड वो फ्लूड होते हैं जिसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करती है टाइम के साथ यानी कि फॉर थिक्सोट्रोपिक फ्लूड फॉर थिक्स थिक्सोट्रोपिक फ्लूड विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करती है उसको बोलते हैं थिक्सोट्रोपिक इसके एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल है पेंट अब कहोगे जी पेंट तो टाइम के साथ गाढ़ा हो जाता है और यहां पर हमने कहा है कि उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है विस्कोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि वो थिन हो जाएगा पतला हो जाएगा बट जब आप कहते हो ना कि पेंट तो गाढ़ा होता है वो एक्चुअल में गाढ़ा नहीं होता वो सूख जाता है उसमें जो थिनर एड होता है जो उसको थिन करने के लिए मिलाया जाता है वो उड़ जाता है अगर आप उसको वैक्यूम के अंडर रखेंगे तो उसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी यानी कि उसकी वो थिन हो जाएगा टाइम के साथ तो वो पेंट होगा और दूसरा एग्जाम्पल इसका है जो सबकी पसंद होती है क्या लिपस्टिक दूसरा एग्जाम्पल है इसका लिपस्टिक लिपस्टिक भी लिपस्टिक भी टाइम के साथ अगर काफी दिन रखी रहे टाइम के साथ वो मेल्ट हो जाती है उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो ये वो फ्लूड हुए जिनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हुई और सेकंड टाइप के फ्लूड वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करती है और वो उन फ्लूड को बोलते हैं रियोपैटिक फ्लूड रियोपैटिक फ्लूड्स ये वो फ्लूड्स होते हैं फॉर रियोपैटिक फॉर रियोपैटिक फ्लूड्स विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करती है उनको बोलते हैं रियोपैटिक इसका एग्जाम्पल है बेंटोनाइट सोल्यूशन अब आप कहोगे जी ये बेंटोनाइट सोल्यूशन क्या होता है तो इसके डीप में नहीं जाना है ये केमिस्ट्री की टर्म है हमें सिर्फ नाम से मतलब है कि ये आपका क्या होता है रियोपैटिक फ्लूड बस ये नाम से मतलब होना चाहिए क्योंकि ये केमिस्ट्री की टर्म है तो हम इसको अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे कि ये होता क्या है इससे क्या करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है तो हम यहाँ पर सिर्फ रियोपैटिक फ्लूड का एग्जाम्पल और ये नाम नाम सिर्फ हमें याद होना चाहिए तो रियोपैटिक फ्लूड के लिए विस्कोसिटी इंक्रीज करती यानी कि टाइम के साथ साथ ये थिक होता जाएगा गाढ़ा होता जाएगा विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो इसका ग्राफ बना लेते हैं ग्राफ अब किसके किसके बीच में बनेगा म्यू विस्कोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ओके okay, जिस टाइम के साथ जिस फ्लूड की विस्कोसिटी इंक्रीज करती है जिसकी इंक्रीज करती है उनको क्या बोलते हैं रियोपैटिक उनको बोलते हैं रियोपैटिक और जिसकी डिक्रीज करती है उनको बोलते हैं थिक्सोट्रोपिक तो ये हुआ हमारा न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में डिस्कशन अब पढ़ते हैं आइडियल फ्लूड के बारे में आइडियल फ्लूड एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं बट फिर भी कुछ कंडीशन होती है जिस कंडीशन पे हम फ्लूड को आइडियल फ्लूड कह सकते हैं आइडियल फ्लूड होते क्या है आइडियल फ्लूड वो फ्लूड होते हैं जो इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो जो फ्लूड फ्लूड्स विच आर नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस का मतलब क्या हुआ जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो इसका मतलब हुआ जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो जिसकी कोई विस्कोसिटी ना हो और इनकंप्रेसिबल का मतलब जो कंप्रेस नहीं हो सकते उन फ्लुइड्स को कहेंगे आइडियल देखो डी यू बाई डी वाई का जब ग्राफ बनाओगे टाउ वर्सेस डीयू बाई डी वाई का ग्राफ देखो विस्कोसिटी जीरो होने का मतलब म्यू जीरो और म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई वाले ग्राफ में म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को स्लोप जीरो होने का मतलब एंगल जीरो एंगल जीरो होने का मतलब लाइन कहां से कहां तक आएगी ये वाली जो लाइन आएगी यहां से ऐसे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन विद दिस इज फॉर आइडियल फ्लूड्स के लिए आएगी क्योंकि विस्कोसिटी जीरो है तो स्लोप जीरो होगा स्लोप जीरो होने का मतलब स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन कॉन्साइडिंग विद डीयू बाय डीवाई एक्सेस और ये वाले फ्लूड और दूसरी कंडीशन क्या होती है इनकम्प्रेसिबल जो कंप्रेस नहीं हो सकते अगर ऐसा कोई फ्लूड है वैसे तो ऐसा कोई फ्लूड होता ही नहीं है फिर भी अगर कोई ऐसा फ्लूड होता है तो उसको कहेंगे हम आइडियल फ्लूड